Colonel Pradeep came here for his treatment of alcoholism, alcohol addiction. And बहुत इनका adventurous journey रही है. काफी सारे किस्से ये शेयर करेंगे जो मतलब this will be quite new. जैसे कल हमारा डेटा इंटरवेंशन हो रहा था मैम, हमारे कुछ पुराने पेशेंट से जिन्होंने अपना शेयर किया कि ये कुछ चीजें हुई हमारी, तो थोड़ा सा हैवी हो गया था. मतलब मुझे भी ना जैसे वो बोल रहे थे मेरे हस्बैंड भी, तो मुझे वो सारी चीजें याद आ रही थी, है ना. बिकॉज इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी, पेनफुल इट इज. सो स्पेशली हमारे पास न्यू फैमिली सर का भी अल्कोहलिज्म का ही है, ठीक है. ये भी अपने ब्रदर के साथ आए हैं. देन दैट गर्ल इज सिटिंग जिसको सिस्टर को डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया है फैमिली में. तो मैं इनको यही बोल रही थी कि यहाँ पर बैठ के हमको उम्मीद मिलती है, होप मिलती है. क्योंकि जब हम यहाँ पे आते हैं ना, तो हमें दिमागी बीमारियों की कोई समझ नहीं होती. हम सिर्फ कुछ, हमने कुछ लक्षण देखे होते हैं. नशा तो चलो सबने देखा होता है कि नशे की वजह से हो रहा है, ये नशा है, नशे के लिए आए. मगर उसके अलावा जो पेशेंट है, जैसे किसी पेशेंट को बहुत शक हो रहा है, किसी को आवाजें सुनाई दे रही है, तो ये टूटी फूटी स्कैटर्ड सी इंफॉर्मेशन लेकर ना हम हॉस्पिटल आते और यहाँ पर बैठ के, ये साइको एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है जहां पर हमें बैठ के सबसे पहले तो उम्मीद आती है. सबसे पहले पता चलता है कि अच्छा ये दिमागी बीमारी है, अच्छा इनका भी इलाज हो सकता है. और सबसे बड़ी बड़ी बात होती है, हम बहुत साल थक गए होते हैं ट्राई कर करके, तो जब हम यहाँ पे आते हैं तो हम ना उम्मीद हुए होते हैं. हमें कोई होप नहीं होती है कि इसमें भी कोई रास्ता है. जैसे मैम भी आई थिंक जब आई थी तो भी अपना अपने आप शेयर करेंगे कि ये इतना ऐसा चेहरा भी नहीं था जैसा अब है, अब खिल रहा है. तो इसी तरह जब मैं भी आई थी 5th सितंबर 2011 में, तो मुझे भी 1% उम्मीद नहीं थी कि मेरे हस्बैंड छोड़ेंगे, जबकि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था डीएमसी में कि ज्यादा महीने जिंदा नहीं रह सकते. तो वो जो एक छोटी सी हमें मिलती है ना, जैसे मैंने जसवीर सर को सुना, इनकी स्टोरी सुनी, वालिया सर की स्टोरी सुनी, तो मुझे लगा कि जैसे मेरी जिंदगी की कहानी चल रही है. तो वहां पे छोटी सी एक उम्मीद आना शुरू होती, अच्छा बीमारी, अच्छा इलाज हो सकता है, तो चलो हम भी ट्राई कर लेते हैं, कोने को है क्या हमारे पास. तो इसी तरह से कर्नल प्रदीप और अजीत मैम की भी जर्नी यहाँ पे शुरू हुई और ये शेयर करेंगे अपनी जर्नी. और आप भी, आई एम श्योर हम सब उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे. और जो न्यू फैमिलीज आई हैं उनके लिए तो एक रोड मैप बन जाएगा कि भाई हम भी इस तरह से चल चल के, जैसे फैमिली ने किया, जैसे पेशेंट ने किया, हम भी रिकवरी में जा सकते. ऐसे है कि बोथ ऑफ अस बिलोंग टू लुधियाना, माय हस्बैंड एंड माय सेल्फ, दोनों की एजुकेशन लुधियाना में ही हुई है, पर हमारी अरेंज्ड मैरिज है. आर्मी में 24 इयर्स इन्होंने सर्विस करी और उसमें हम हार्डली कितने साल इकट्ठे बिताए हमने फौज में भी, हार्डली 6 to 7 ईयर्स, है ना. तो कुछ फील्ड पोस्टिंग हो गई, कुछ घर में हमारे इश्यूज हो गए थे, आई लॉस्ट माई ब्रदर इन 95, तो इसलिए डिसीजन ये हो गया कि मैं परमानेंट सेटल डाउन होगी लुधियाना में. और ये अपनी सर्विस कर रहे थे उस टाइम पर. प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेने का इनका डिसीजन था, विद विच आई वॉज वेरी अपसेट. एंड क्योंकि मेरे को कुछ आगे नजर नहीं आ रहा था कि मैं जॉब में हूँ, अगर प्री मेच्योर रिटायरमेंट अभी लेकर आ रहे हो तो आगे क्या करना है, क्योंकि बच्चे अभी कहीं पर भी नहीं थे. बेटा मेरे को लगता उस टाइम 11th 12th में था शायद, समथिंग अराउंड दैट, 10th में था शायद. तो बेटी थी सेम एज ग्रुप की, तो मेरे को ये था ना तो बच्चे सेटल डाउन हो पाए हैं और अभी आकर करोगे क्या. चलो वो डिसीजन हो गया एंड आ गए. कहानी वहां से, एडिक्शन की जर्नी वहां से शुरू हो गई हमारी. 3-4 महीने तो बड़े अच्छे निकले, बट जब सिविल में आकर जॉब्स करनी शुरू करी तो थोड़ा सा डिफरेंट माहौल था. सेटअप बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि सिविल लाइफ और आर्मी लाइफ में बहुत फर्क है. आर्मी में सब कुछ डिसिप्लिन्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है और रिस्पेक्ट बहुत है.
है ना, तो सिविल में वो चीज नहीं मिल रही थी, तो थोड़े परेशान हुए, पर इन्होंने मेरे साथ कोई बात शेयर नहीं करी। एंड ऑन द स्लाइड ये एडिक्शन जो है फिर वो चोरी से शुरू हुई, चोरी पीते थे और मेरे को ये लगता कि समथिंग इज रॉन्ग विद हिम, कि पता नहीं क्या हो जाता, खड़े खड़े बंदा सो रहा है यार, मेरे को लेने आ रहा है, ड्राइविंग सीट पर सो रहा है, स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, सब मेरे को कोलीग्स मेरी हंसने लग जाती थी कि ले प्रदीप तेरे को लेने आया और वो तो सो रहा है गाड़ी में बैठकर। सो मतलब आहिस्ता आहिस्ता ये सफर चलता रहा, थोड़ी एम्बेरसमेंट होती रही, शर्म भी महसूस करती थी मैं, ऐसे मैं बोलूं ये सबके साथ ये कॉमन है ये चीज, कि एक फोन कॉल से पता चल जाता था कि बंदे ने अभी पी लिया है। अभी ये फिक्र होता था घर किस हालत में आना है और रास्ते में इनको किस किस ने देखना है, और वो मेरे लिए एक लगता था कि मैं आंसरेबल कैसे हूं सोसाइटी में, जिस स्कूल में मैं पढ़ा रही हूँ या बच्चों के सामने मैं आ रही हूँ या पेरेंट्स के सामने आ रही हूँ, हाउ कैन आई फेस दोज पीपल, और बच्चों को मैं रोल मॉडल बनने की सिखा रही हूँ कि ऐसा होना चाहिए, है ना, बच्चों की अपब्रिंगिंग ऐसे होनी चाहिए या ये हमको करना चाहिए। तो मेरे को ये हमेशा लगता था कि अगर वो देखेंगे तो वो बोलेंगे कि मैडम के हस्बैंड तो खुद शराबी हैं, तो मैडम हमको बड़ा लेक्चर दे रही है, तो अपने घर में देखो भाई पहले। चलो ये चीज मेरे को ना अंदर से खाती थी, और ये पब्लिकली सोशली अवॉइड करते थे जाना मेरे साथ कहीं पर भी, क्योंकि चोरी से पीने की आदत हो गई थी, अकेले में पीने की आदत हो गई और सुबह शुरू हो गई थी। और ये पहले मेरे को हमेशा बड़ा लगता था कि मेरे हस्बैंड तो कभी अकेले नहीं पीते हैं और कभी सुबह नहीं पीते हैं, वो दोनों चीजें निगेट हो गई, है ना, दोनों चीजें वो खत्म हो गई। अभी तो मैं थोड़ा मुस्कुराकर बोल रही हूं, पर उस टाइम मेरे को पता कि क्या हालत होती थी, कि भी इतनी टेंशन हो जाती थी, एक दो बारी तो मतलब मैं देखने जाती थी कौन से ठेके पर खड़ा बंदा, देख कर आऊं गाड़ी चल भी रही है कि नहीं चल रही, बेटी को साथ में लेकर जाती थी, बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स मिली थी, ऐसे नहीं मैं बोलती, बड़ी अच्छी कंपनीज में थी, नेस्ले में थी, एक बारी वहां से सैटरडे का दिन और मेरे को एक फोन आता था, बस उतने में फिर बंद हो जाता, करके बंद, मतलब गड़बड़, और फिर फोन करी जाओ, फिर बंदे ने फोन नहीं उठाना, फिर फोन कहाँ उठाना क्योंकि बंदा तो बेहोश पड़ा। ऐसे फिर बेटी को लेकर चली गई 11:30 बजे कि भाई देखे चलो डैडी जी को लेकर आते हैं। मोगे गए, मोगे से जाकर देखा हाल बेहाल, कमरे का स्मेल आ रही है बहुत बुरी तरह से, बोतले हैं, स्टेट ऑफ अनरेस्ट है। मैंने बोला बेटी आई है साथ में, जाकर कपड़े पहन कर आओ और चले। वापस लेकर आए तो यही होता था कि अभी किसको अप्रोच करूं, मेरे को ना समझ नहीं आ रही थी उसको, चाहे हम जितना मर्जी पढ़ लिख जाए पर इस चीज की नॉलेज नहीं थी कि ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है। मेरे को यही लगता था कि जैसे सब लोग बोलते हैं शराब की आदत पै गई है, वो कहते हैं लत पै गई है, तो फिर असी कहते भी चलो बाहर नहीं पीनी घरे बह के पी लो, उ भी नहीं सी गल बनती क्योंकि आप कदे रोटी नहीं खाधी दारू पी के, तो असी बेहोश हो जाते कॉन्टीन्यूअसली पी के, ही वुड बी इन अनकॉन्शियस स्टेट। दो दो दिन अगर आप दारू लगातार पियोगे तो शरीर का अंदर से क्या हाल होएगा वो यू कैन वेरी वेल इमेजिन, है ना, वो स्टेट कितनी देर तक चलेगी। सो इट वेंट ऑन लाइक दिस, ऑन एंड ऑफ साइकिल्स आए, जॉब्स आई गई, पैसे की हालत यही हुई कि कभी खराबी कभी नुकसान, नहीं भी देने तो भी ये होता था कि मैंने नहीं दिए तो फिर थोड़ा सा कलेश होता था, फिर बेटे को रिपोर्ट पहुंचती थी कि तेरी मम्मी मेरे को मेरा ATM कार्ड नहीं दे रही है, वो कहता पापा को ATM कार्ड दे दो, रात को 10 बजे बंदा गाड़ी लेकर भाग रहा है, फिर मेरे को पता होता था कहां तक गया बंदा, मैं पीछे जाऊंगी एक चक्कर लगा कर आऊंगी, पता कि पीकर आ गया बंदा। सो आई गेव हिम द ATM कार्ड ऑल्सो कि चलो भाई कर लो जो करना है, पता ही नहीं चलता भी कहां पैसे जाएंगे। सो बहुत खराबी ऐसे वक्त की, शरीर की, पैसे की, घर में शांति की, रिलेशनशिप की, सबकी तहस नहस।
फिर 2015 में वहां तक हम पहुंचे, पहले थोड़ा सा इलाज कराने की कोशिश करी वहां पर लुधियाना में, बट सेटिस्फाइड नहीं थे हम, क्योंकि सिर्फ वहां पर मेडिसिन दी जाती थी और ये मेडिसिन के साथ एक्सपेरिमेंट करते थे कि खा ली, पता थोड़ा चलता भी खाई है, वो पीछे रख लेनी या फेंक देनी है और अपन ने दारू पी लेनी है, सुबह ही शुरू हो जाता था काम। सो मेरे को सही में सोल्यूशन नहीं नजर आ रहा था, पंडित भी देख लिए मैंने, पंडितों ने बोला जी जौनसी शराब पीते हैं वो वाली जल परवाह करके आओ, सत सत बोतलां वोट के दिया, चलो भाई शनिवार के दिन जी वो जल परवाह कर दो। ये सभी का केस है ना, ये सेम स्टोरी है, भैरव के मंदिर जाओ रात को शनिवार को, भैरव के मंदिर चढ़ा कर आओ शराब, वो भी करती भी कोई देखे भी ना, सब चुप चुपीते काम ये हो रहे हैं, है ना, बट कहां सोल्यूशन ही नहीं था। 2015 में जब बिल्कुल हाथ खड़े हो गए, बस हो गई शरीर की, स्टूल में ब्लड आना शुरू हो गया, तो फिर हुआ कि अब मेरे को तू बचा ले। और उस टाइम पर मेरा यही जो ग्रैंडसन आज आना था साथ में, ये बॉर्न हुआ था। और जिस दिन वो बॉर्न हुआ, ये भाई साहब घर में बेहोश और मैं दो कुड़मों के साथ हॉस्पिटल में खड़ी हूँ, लड़की के इन-लॉज भी खड़े और लड़के मेरे बेटे के इन-लॉज वो डॉक्टर्स, वो दोनों अंदर उस टाइम पर सर्जरी के टाइम पर डिलीवरी वहां वो करवा रहे हैं, क्योंकि वो एक पेडियाट्रिशियन है और एक गायनोकोलॉजिस्ट है ना, तो बेटी के इन-लॉज खड़े हैं, सब पूछ रहे हैं भाई साहब कहाँ हैं, मैं कहा जी भाई साहब की तबीयत खराब है, उनको लूज मोशन लगे। वाइफ झूठ बोलती है कवर अप करने के लिए कि थोड़ी सी इज्जत बची रहे, है ना, तो चलो वो टाइम निकला, वो बेचारा बच्चा अभी महीने का मुश्किल से हुआ था, जब तक हमको लगा कि भाई अभी बस होगी, अब बस होगी, बहुत ज्यादा हो गया। दैट इज द टाइम व्हेन ही सेड कि चल मेरा इलाज करा दो, मेरे को बचा लो। तब इस अस्पताल में पहुंचे और माइंड बना कर आए थे कि अभी वापस नहीं जाना है, हॉस्पिटल में रहेंगे, जो भी प्रोसीजर है डिटॉक्स कराकर हर्मिटेज, एक महीना तो पहले हर्मिटेज में लगाना है, इनको यही बोलकर लेकर आए थे कि एक महीना तो हर्मिटेज में लगाना ही लगाना है, उसके बाद देखेंगे, क्योंकि इनको पता था दिमाग तो शैतान होता है ना एडिक्ट का, कि तीन महीने थोड़ा मैं रहूंगा, 100 दिन इतना लंबा टाइम कौन गिन गिन कर करते हो आप, तो मैं कहा चलो फर्स्ट मंथ तो करो पहले, देखते हैं बाद में। सो वन डे एट अ टाइम लेकर यहां पहुंचे, ये हमारे गुरु बैठे जसवीर, जो 5 दिन यहां बैठे इन कुर्सियों के ऊपर, सुबह दोपहर शाम मीटिंग 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 अटेंड करी, नम्रता मैडम स्किल सीखी, पेशेंट बनाकर डील करना है, हस्बैंड बनाकर नहीं डील करना। वन, नर्स की तरह हेल्प करनी है, अकेले कहीं नहीं जाने देना, जहां भी जाना है साथ जाना है। सर ने बोला मैं 3 साल जब रिकवर इसमें आया, ट्रीटमेंट में आया, 3 साल बाहर जाकर नहीं देखा मैं, हस्बैंड वाइफ ने किसी शादी ब्याह पर नहीं गए, भोगते नहीं गए, करे रहे, वो गल लड़ बन ली, किते नहीं असी भी गए। नम्रता मैडम ने बोला साल भर तो पेशेंट का पता ही नहीं चलता, क्योंकि जख्म तो अभी ताजे थे, मरम लगते लगते खरीद आता है ना, तो इतनी देर का जब नशा करा हुआ है तो वो एकदम कैसे ठीक हो सकता है। 1 साल में सच्ची में नहीं, पेशेंट को कुछ नहीं पता, घर वालों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, और जैसे जैसे बताते गए कि इनके पास पैसे नहीं होने चाहिए, इनके पास पर्स नहीं होना चाहिए, ये ड्राइविंग नहीं करेंगे, वो आज तक सारी चीजें कायम है, इनके पास कोई एटीएम कार्ड नहीं है, अब दिया ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी इसलिए थोड़ा सा कहीं फौजी एरिया में जाते हैं ना, तो थोड़ी सी ईगो कह लो या एक थोड़ा सा सेंस ऑफ प्राइड होती है कि मैं अपनी यूनिट में जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा लगता है, हाईवे पर मैडम ने गाड़ी चलानी है, वहां जाकर इनको पकड़ा देने की, जाओ भैया अपना अंदर ले चलो कोई बात नहीं,
सो उनकी भी है ना, उनकी रिस्पेक्ट है तो मेरी रिस्पेक्ट है. सो दैट आई टोटली एग्री. और घर में यही है कि जहां पर भी हम जाएंगे इकट्ठे जाएंगे, ये अकेले कहीं नहीं जाएंगे. वॉक करने जाते हैं जरूर, मतलब थोड़ी वॉक होती है मॉर्निंग में इवनिंग में, उसका भी अभी भी अंडर आई वोंट से ऑब्जर्वेशन, पर यस प्रिकॉशनरी मेजर ये होता है कि भी हाँ पता होता है भी कहाँ गया इंसान, बाकी कहीं नहीं. इकट्ठे जाएंगे इकट्ठे आएंगे. 9 साल हो गए और ये जर्नी मैं कहती हूँ कि डेफिनेटली इजी नहीं है, पर मेरे को आज यहां बैठकर पता भी नहीं चल रहा कि 9 साल हो गए. ये कहने को है एक लंबा टाइम, बट जैसे बोलते 9 साल हो गए, आई डोंट नो. और ये 9 सालों में हमने बहुत ट्रेवल करा जो कि हमने पहले कभी नहीं करा था, क्योंकि हालत ही ऐसी होती थी, पैसा भी नहीं होता था, बंदा ही नहीं रजामंद तो मैंने किसके साथ जाना है. ठीक है, तो अभी वी हैव ट्रेवल्ड. बेटियां मेरे पास आती रही हैं फॉरेन से, उनको पता चल जाता था. एना नोज एवरीथिंग अबाउट आवर फैमिली, इन एंड आउट शी नोज कि ही हैज बीन इनटू ड्रिंकिंग, इनका ट्रीटमेंट हुआ है, वो इस रिहैब में आकर गई है हर्मिटेज में, उसकी शादी हम पिछले साल अटेंड करके आए जर्मनी में जाकर, स्विट्जरलैंड में. वो फॉस्टर डॉटर है हमारी, मतलब मैंने एक्सचेंज प्रोग्राम का स्टूडेंट है वो, और वो 2008 में आई थी मेरे पास, आज 2024 है, अभी फिर आ रही है सर अक्टूबर में. सो इट्स बीन अ गुड जर्नी, गुड स्पेंडिंग टाइम विद हर, बट शी नोज ईच एंड एवरीथिंग, सो वी आर सो ट्रांसपेरेंट विद हर. और एक चीज मैं बताती हूँ, जब एक एडिक्शन में बंदा आता है ना, कम्युनिकेशन गैप होता है एक्चुअली, व्हेन शेयरिंग नहीं हो पाती है, वो कॉन्फिडेंट नहीं फील करता इंसान कि मैं अपनी बात किसी के सामने रखूं, तो वहां पर लिमिट आती है. या तो आपका बहुत अच्छा कोई फ्रेंड होना चाहिए जिसके साथ आप शेयरिंग करते हो, क्योंकि वो फ्रेंड ऐसा होना चाहिए जिसका ये ना हो कि मतलब ही वाला हो, कि शराब वाला बैठकर पीने वाला ही. मुफ्त दी शराब तो सबनों अच्छी लगती, माड़ी क्या नहीं लगती, मुफ्त का मुर्गा भी बहुत चंगा लगता. ठीक है, तो ओहे जा फ्रेंड दी मैं गल कर रही, जिंदे नाल तुसी अपना दिल दी दुख सुख कर सकदे. या तो थोड़े पेरेंट्स तुसी इन्ने क्लोज हो, तुसी उन्हां नाल सारी कम्युनिकेशन कर सको, या थोड़ा स्पाउस, या फिर एक थोड़ा बेस्ट फ्रेंड हो जिंदे नाल तुसी ये करो भी मैनू कुछ हुंदा है अंदर, है ना. सो इट्स लाइक दैट. सो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, एंड दिस जर्नी नाउ Now I feel कि हाँ we talk to each other, and I used to tell him, I used to tease him at that time कि बोल ही नहीं रहा बंदा, बोल ही नहीं रहा यार, penny for your thoughts. नहीं कुछ नहीं, मैं क्या सोच रही, कुछ नहीं. तो भी अभी यहाँ अगर पता चला कितने thoughts आते हैं एक दिन में, more than 50,000. देखो, so अभी touch wood, और ये networking है यहाँ पर, इसीलिए रिकवरी में हैं हम अभी तक, क्योंकि जो गाइडेंस मिलती है, जो मेंटरिंग है यहाँ पर, जो स्किल सिखाई जाती है, हाउ टू मैनेज योर लाइफ विदाउट अ सब्सटेंस, या कोई भी एक ब्रेन डिसऑर्डर है कि उसकी बेसिकली हेल्प मांगो इमीडिएटली जब आपको लग रहा है कोई क्राइसिस आने वाला है. डोंट वेट, डोंट वेट. ये चीज यहीं पर सीखी है, SOS immediately, give a call. पिछले साल हुआ ना, 1.5 साल पहले जसवीर सर को कॉल किया गया, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग फटाफट सर को कॉल किया गया, सर ने बोला जल्दी आ जाओ हर्मिटेज, इमीडिएटली वी केम. रिलैप्स होने से बचे हैं हम उस टाइम, फिजिकल रिलैप्स नहीं हुआ था, दारू पी ली थी पर दिमाग ने तो पी ली थी ना, शुरुआत हो गई थी. सो वो चीज को हमने वहीं पर उसको कर्व करना है. सो आई थिंक दैट हैज बीन द जर्नी. बेसिकली व्हाट यू हैव बीन टीचिंग मी सिटिंग हियर, व्हाट यू मेंटर्ड, और ये बोला गया था कि हर्मिटेज में भी जब गए थे कि जब हम कॉल करेंगे बुलाएंगे आपको तब आपने आना है, और तभी आती थी. और खुद की हीलिंग,
पेशेंट तो पेशेंट है, एक एडिक्ट तो है, पर एक पेशेंट की फैमिली को भी हीलिंग की उतनी ही जरूरत है जितनी की पेशेंट। मेरी खुद की हीलिंग यहीं आकर होती है, यहीं बैठती हूं, पीस ऑफ माइंड, काम, एक ना व्हाट डू यू कॉल इट की अटैचमेंट कह दो, सेंस ऑफ बिलोंगिंग है यहाँ। एक ये मेरी फैमिली है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड व्हाट आई एम एंड आई नो व्हाट आई हैव गॉन थ्रू, दे ऑल्सो नो व्हाट आई हैव गॉन थ्रू, दे कैन, दे नो द पेन, दे नो द स्ट्रेसेस दैट वी हैव गॉन थ्रू। सो ये कोई आर्टिफिशियल हम बातें नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ये हकीकत है, ये सबके लाइफ एक्सपीरियंसेस है। और ये अगर बाहर जाकर हम किसी से बात करते हैं, वो उनको कभी समझ नहीं लगती ये चीज की, क्योंकि उन्होंने ये चीज में से वो गुजरे नहीं है। जो इंसान पत्थरों के ऊपर से चलकर जाता, उसको पता कि पत्थर की चुभना कहां पर आती है पैर, दूसरे को नहीं पता चलेगा। जो मखमल पर चल रहा उसको क्या पता। सो इट्स अ हार्ड रियलिटी ऑफ लाइफ। और किसी की भी लाइफ वैसे देखा जाए तो किसी की भी स्मूथ सेलिंग नहीं होती है, हरेक की लाइफ में अप्स एंड डाउन होते हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। किसी के घर में डेथ्स हो जाती है, किसी के घर में फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है, किसी के घर में बच्चा ही नहीं होता है, किसी के घर में वैसे ही क्लेश बहुत पड़ा रहता है। सो कुछ ना कुछ होता है। रिकवरी डजंट मीन कि हमारी लाइफ हेवन ही होगी, नहीं नहीं होता, ऐसा नहीं होता, बट वी लर्न टू मैनेज थिंग्स। चलना सीख जाते हो आप, दौड़ना नहीं, अभी मैं बोल रही हूँ हम दौड़ नहीं रहे हैं अभी भी, हम चलना सीखे। बच्चा भी पहले क्रॉल करता है, पहले बैठना सीखता है, फिर क्रॉल करना सीखता है, फिर चलना सीखता है। दौड़ने वाली स्टेज नहीं आई, जब दौड़ने वाली स्टेज आएगी तो हम गिर जाएंगे, फिर हमारे चोट लगेगी, क्योंकि हम उतने काबिल अभी भी नहीं हुए, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग डिजीज है। जहां पर भी कहीं पर भी हमने थोड़ी सी अनगहली करी तो हम गए। प्रिकॉशन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ऑलवेज। सो वही चीजें अभी लेकर साथ जुड़कर मिलकर चल रहे हैं। सो दिस इज आवर जर्नी। आई डोंट नो, एडिक्ट अपनी जर्नी शेयर करेगा कि वो कैसी रही है। मेरी अभी तक, मेरे को कभी नहीं ये महसूस नहीं हुआ कि, मतलब ये 9 साल मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मुश्किल थे, पर ठीक है, समय के अनुसार हम चलते रहे, समय के अनुसार चलते रहे। जब कहीं रिजिस्ट करोगे तब गड़बड़ हो जाती है, रिजिस्ट नहीं करती, बस चलते जा रहे, जैसे सामान निकल रहा है वैसे निकल जा। बढ़िया है। फैमिली मेंबर आप फैमिली से पूछना चाहते हैं, रिजिड नहीं होकर चल रहे, फ्लेक्सिबल। आज बच्चा नहीं आया कोई बात नहीं, टाइमिंग्स थोड़े अपसेट हो गए कोई बात नहीं, थोड़ा आगे नहीं तो पीछे से। आज शाम की मीटिंग थी, मेरे को पता था मैंने 11 बजे रात को घर पहुंचना था, आपने पहले कर दी, सो स्वीट ऑफ यू, सो स्वीट, सो कंसीडरेट। मेरे को पता था कि इट विल बी अ लॉन्ग डे फॉर मी, बिकॉज आई गॉट अप इन द मॉर्निंग एट 5, और मेरे को रात को भी नहीं नींद आई, 1:30 बजे पहले उठी, फिर 4:30 उठी, फिर 5 बजे उठी। बहुत चीजें मेरे साथ भी वो हुई है, लोगों के सामने शर्मिंदा होना बहुत वो लगता है, पर अभी हम ओपनली इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि ये एक बीमारी है, एंड वी शेयर दिस नॉलेज विद एवरीबॉडी विद हुम वी कम अक्रॉस, ताकि ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंचे। पढ़ लिख कर भी हमारे पास अवेयरनेस नहीं है इस चीज की, एंड यू नो अब मेरे को कोई शर्म नहीं महसूस होती है, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस आ गई है, हमारी शेम हीलिंग हो चुकी। हाँ, है ना, वो छुपाने में थी शेम। तो अभी किसी को कैंसर होता है, लोग बढ़ चढ़ कर बोलते हैं कि भाई शी और ही हैज कैंसर, तो आप उनके साथ सिंपथाइज करते हो ना, पुअर थिंग, देखो इतनी अच्छी लाइफ चल रही थी, अब देखो कैंसर हो गया।
अभी कैंसर का भी वो ट्रीटमेंट ही कराते हैं ना, ट्रीटमेंट कराने के बाद 100% गारंटी होती कि कैंसर खत्म हो जाएगा, देयर इज अ फॉलो अप प्रोग्राम, और वहां पर भी रिलैप्स होता है, किसी का नहीं भी होता है, किसी का हो जाता है, किसी की रिकवरी बहुत अच्छी होती है, किसी की नहीं होती। मेरी अपनी भाभी का 3 बार ही रिलैप्स हुआ। सो उसमें क्या हुआ, रिलैप्स होने के बाद आपने कीमोथेरेपी नहीं कराई, कराई, व्हाई? बिकॉज वी आर ट्राइंग टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अभी यहां पर हम बैठे हैं किस लिए, हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, और वाकई में वो बेहतर हुई है। एक जो यहां पर तनाव रहता है ना फैमिली के भी, कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, वो अब क्या हो गया, में खुद भी हम बीमार हो जाते हैं। रियली इट्स अ फैक्ट। और अब वो चीज ऐसे नहीं है, मतलब मैं नहीं कहती कि आई एम ओवर कॉन्फिडेंट, ना, कॉशियस, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि ये कभी भी किसी भी टाइम पर दोबारा हो सकता है। सो हमको बचाव रखना है। सो ओपनली जब हम ये डिस्कस करते हैं अभी विद माय ब्रदर्स, विद हिज कोर्स मेट्स, दे ऑल फील सो गुड एंड सो प्राउड ऑफ हिम। पता है, एक बहुत अच्छी अंदर से फीलिंग आती है कि जिस बंदे के लिए सिर्फ वो ही एक चीज थी जिसे वो इतना प्यार करता था, उसके लिए कितना एफर्ट लगा है वो चीज छोड़ने के लिए, हमने उससे वो खो लिया है। व्हाट ही हैज गॉन थ्रू इज वेरी डिफरेंट व्हाट वी हैव गॉन थ्रू। इट इज मोर पेनफुल फॉर हिम देन अस। So, I do not know. Would you like to say something, sir? जो एडिक्शन पार्ट था वो तो इन्होंने शेयर कर दिया है, मैं मेनली करूंगा रिकवरी पार्ट पे, क्योंकि मेन चीज वही आपको पता होनी चाहिए। एडिक्शन तो आपने भी देखी है सबकी, वो सेम होती है, एडिक्शन सबकी सेम होती है, रिकवरी अलग अलग है। सबसे पहले मैं मिथ कुछ शेयर करना चाहता हूं आपको, जो हमें एडिक्शन के बारे में मिथ्स होते हैं, जो मेरे को भी थे, इनको भी थे, जब यहां आते हैं हम सबको होते हैं। पहला है कि एडिक्शन इज अ हैबिट, इट्स अ डिजीज। तो ये एक डिजीज है, कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, सभी डिजीज खतरनाक है। हर एक डिजीज का करैक्टर अलग अलग होता है। आप कहते हैं जो कैंसर से बच के आया कि इसका डॉक्टर बहुत अच्छा था, उसने मौत के मुंह से उसको निकाल लिया। एडिक्शन डिजीज का करैक्टर थोड़ा अलग है, ये खतरनाक उतनी है, इससे भी मौत हो सकती है, और इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, इसको इसके साथ ही जीना पड़ता है। पर इलाज ऐसे है, ये अलग टाइप की डिजीज है कि उसमें क्रेडिट जाता है डॉक्टर को। इसमें आपकी जब पूरा रीहैब हो गया है 3 महीने का, उसके बाद एफर्ट पेशेंट का अपना है, जितना एफर्ट करेगा उतना सक्सेस रेट ज्यादा है। एफर्ट मींस जो यहां सिखाया गया 3 महीने में वो करना, फॉलो अप करना प्रॉपर, वो जितना करेगा उतना सक्सेस रेट पेशेंट और उसकी फैमिली पे डिपेंड करता है। और हम कहते हैं कि ये जो एक मिथ है कि यहां इलाज हो गया तो इसका मतलब जर्नी खत्म हो गई, ये जर्नी थ्रू आउट द लाइफ चलेगी पूरा, आपको प्रिकॉशंस वही लेनी पड़ेंगी जो हैं।
बताई गई हैं। तीसरी बात जो मैंने ये एडिक्शन की देखी है, जो प्रैक्टिकल मेरा है, कि हम एम लेके आते हैं कि हमने क्या करना है, नशा छुड़वाने के लिए आए हैं। सब्सटेंस जो लेते थे, जैसे मैं अल्कोहल लेता था, अल्कोहल का इलाज कराने नहीं आया मैं। अल्कोहल एग्जांपल मैं प्रैक्टिकल देता हूं, ये ऐसी चीज है कि मेरे को कोई बीमारी थी, मैंने देख के अपनी मर्जी से कोई दवाई चुन ली, अल्कोहल नाम उसका, वो ले ली, उससे मेरे को एलर्जी हो गई। हर एक दवाई से किसी ना किसी को 10% को एलर्जी हो जाती है अल्कोहल। देखिए इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, आप कितना ज्यादा प्रोग्राम में खुद हो, इंट्रोस्पेक्शन रिहैब में जाकर ही आनी है, जब आपको इन्वेंटरीज करानी है आपके अंदर कितनी कैरेक्टर फ्लॉज है, उनके ऊपर खुद काम करना है, क्योंकि आपको छोटी छोटी बात पर खिज आती है, वो खिज के कारण आप एक सोल्यूशन ढूंढते हो कि भाई तूने मेरे को ऐसा बोला इसलिए मैंने पी ली, तूने मेरे साथ लड़ाई करी, तूने मेरे को पैसे नहीं दिए इसलिए मैंने पी ली। सो ये जो चीजें है ना, कि दूसरे के ऊपर ब्लेम डालना, ब्लेम गेम तो है ही है ना एडिक्ट की, तो ये चीजों के ऊपर हमको काम करना पड़ेगा, अंदर से अपने आप को हीलिंग में लेकर आना। 100 out of 100% परफेक्ट कौन इंसान है? कोई है ना? हम है ना, ये है ना आप, 100% तो सिर्फ भगवान है। तो हरेक में फ्लॉज है, पर हरेक को अपने फ्लॉज नहीं दिखते होते, दूसरे के फ्लॉज बहुत जल्दी दिखते हैं। देखिए मैं आपको एक मिनट मैं अपना बताता हूं। मैं यहां जब आया था, मेरा एम ये था भी डिटॉक्स हो जाना, ये खुश हो जाएंगे मेरे 3 महीने यहां, महीना 2 महीने 3 महीने काटने से, यहां से जो मेरे बॉडी हार्म हुआ है, मेरा लिवर 80% तक डैमेज हो चुका था, जो हार्म हुआ है वो ठीक हो जाएगा, उसके बाद मैं ठीक तरीके से पीना शुरू कर दूंगा, ये एम लेके आया था मैं यहां। तो 2 महीने तक मेरा यही था, मैं रोज अपने कैलेंडर बनाया हुआ था कॉपी पे, डेज लेफ्ट टू गो होम लिखता था। 2 महीने बाद जब मैंने वो, मेरे पास सडनली आया ये, मैंने वो कैलेंडर फाड़े, कोई डेट नहीं देखी, ना किसी से पूछा भी मैंने कब यहां से जाना है, उसके बाद मेरे को ये फील हुआ भी मैंने जिस दिन रियलाइज किया कि ये चीज, जैसे डायबिटिक्स के लिए चीनी जा रहा है, ये मेरे लिए नहीं बनी है, मैं नहीं पी सकता है। तो उस दिन से मैंने अपने रिकवरी की जर्नी शुरू की। मेरे ख्याल से दो महीने रिहैब में रहने के बाद, तो पहले तो यही होता है ना, एडिक्ट को लगता है, ले जैसे ये बोल रहे थे कि खुश करने के लिए छोड़ दी, तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, तुम्हारे लिए नहीं छोड़नी भाई, अपने लिए छोड़नी है बस। नहीं, मेरे आने का भी मैं बताता हूं ये चीज, शी यूज टू कंप्लेन टू आवर सन, वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो वो इन बैलेंस करता था, इनको बोलता था भी आपको क्या पता अभी ड्रिंक छोड़नी कितनी मुश्किल है, आप स्पेशलिस्ट के पास लेके जाओ, किसी डॉक्टर के पास, वो प्रैक्टिकली बताता था। तो फाइनली उसने मेरे को, जब मैं यहां आने के लिए तैयार हुआ, उसने मेरे को फोन पे बोला भी पापा मामा बोलते हैं भी, अपने पापा को समझाओ भी ये क्या कर रहे हो आप। तो कहता है एक तो पहले तो घर बैठ के हमने ट्राई किया, पहले शुरू किया था, मतलब साल से चल रहा था ये भी घर में बैठ के पियो, तो मैं घर में भी शुरू कर दी, बाहर भी शुरू कर दी। तो कहता ये जो है कि समझाने की बात, मेरे को शर्म आ रही है कि इस उम्र में आपने मेरे को समझाना है कि मैंने आपको समझाना है, तो दैट हर्ट मी। तो ही सेड मेरी बात एक मान लो कि आप एक बार जा तो आओ वहां पे, बाद में देखेंगे छूटती कि नहीं।
क्योंकि मैंने उसको बोला भी मेरे से ये छूट नहीं सकती, मैंने कोशिश कर ली है पूरी 200% कर ली है। वो कहता है एक बार डॉक्टर के पास तो जाओ। उससे पहले हमने कई जगह पे डीएमसी कई और स्पेशलिस्ट के पास गए थे, पर वहाँ सिर्फ मेडिसिन का होता था, काउंसलिंग बहुत कम थी। उसके बाद ओनली हॉस्पिटल एंड रिहैब जहाँ पर काउंसलिंग सेशंस चलते हैं और आपकी साइको एजुकेशन चल रही है एंड फॉलो अप होता है, और कहीं पर भी नहीं है ये सब कुछ, एज अ प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा आपको कहीं पर भी, नोवेयर। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, जो पेरेंट्स हैं स्पाउस हैं, यू गेन नॉलेज अबाउट इट, अबाउट द डिजीज, क्या पॉसिबल इलाज है, क्या बेस्ट इलाज है इसका, इसमें बहुत रिसर्च हो चुकी है। और दो साल पहले मैंने पंजाबी यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है काउंसलिंग फॉर सब्सटेंस अब्यूज। उस ये सिर्फ दो जगह पे ही हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और इनमें, जो स्पेशलिस्ट डिप्लोमा सिर्फ सब्सटेंस अब्यूज पे है। पटियाला में सिर्फ 15 सीटें हैं, ऑनलाइन कोर्स होता है, ये क्लासेस कॉन्टैक्ट क्लासेस वहां लगती हैं, 15 सीटें हैं और 15 में उनका कंपटीशन होता है टॉप डॉक्टर्स या साइकोलॉजिस्ट, वो एडमिशन लेते हैं। तो मेरा नंबर कहाँ आना था, तो मैंने हेड से बोला, कहते सर आपके तो क्वालिफिकेशन क्या है, मैंने कहा बीए है, मैं तो नॉर्मल, वो भी थर्ड डिवीजन में हूँ, फौज में ही मैंने, कहते और कुछ आपने किया है कोई पोस्ट ग्रेजुएशन या, मैंने कहा आई एम रिकवरिंग एडिक्ट, तो कहते हम आई विल स्पीक टू द रजिस्ट्रार, तो रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर कहते भी वी कैन गेट अ 16 सीट फॉर यू। उन्होंने 16 सीट करी और मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के कारण, जो 15 साल का मेरा एडिक्शन का एक्सपीरियंस था, उसमें जो डॉक्टर्स टॉप डॉक्टर्स गोल्ड मेडलिस्ट थे कोर्स कर रहे मेरे साथ 15 साइकोलॉजिस्ट थे एमए पीएचडी, मेरी थर्ड पोजीशन आई है विद 73% मार्क्स। और एडिक्शन की क्लास के लिए नेक्स्ट ईयर से उन्होंने ऑनलाइन मेरे को फैकल्टी में रख लिया भी, आप क्लास लोगे, वो चैप्टर वो कराएंगे एडिक्शन, एडिक्शन का चैप्टर आप कराओगे उनको स्टूडेंट्स को। तो उसमें एक होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी पंजाब के एडिक्शन के बारे में, फिजिबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग आइसलैंडिंग मॉडल इन पंजाब। आइसलैंड में एक सर्वे हुआ था 25 साल पहले, पूरा यूरोप में हुआ था, तो आइसलैंड में उन्होंने देखा भी हाईएस्ट रेट ऑफ चाइल्ड एडिक्शन, जो स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थे, देवर 57% एडिक्शन में थे। तो उन्होंने दे रिवोल्टेड, पेरेंट्स ने कहा गवर्नमेंट साइड पे हो जाओ, हम चलाएंगे। उन्होंने एक अमेरिका का साइकोलॉजिस्ट लिया, उससे बनाई पूरी पॉलिसी और वो चलाई। 15 साल बाद जो सर्वे हुआ, अभी तो उसको भी 5 साल हो गए हैं, देवर द लोएस्ट 5%। उन्होंने बच्चों पे कर्फ्यू लगवा दिया पुलिस की तरफ से कि 9 बजे के बाद 10th स्टैंडर्ड तक और 12th स्टैंडर्ड तक 10 बजे के बाद कोई बच्चा बाहर नहीं रहेगा, और पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि उनका बच्चा कहां है। तो वो गवर्नमेंट को वो पसंद अभी तक नहीं आई है, दो इट हैज गॉन अप टू द चीफ मिनिस्टर, वो अलग बात है। हाँ जी, नहीं उसमें यहाँ इंडिया में हो नहीं सकता वो, हमारा जो सिस्टम है ना, हमारा देखो जब मैं रिसर्च वर्क कर रहा था, मैंने 3-4 पेरेंट्स को अप्रोच किया जिनके बच्चे ओवरडोज से डेथ हो चुकी थी, मैंने कहा आप मेरे को कोऑपरेट करो, वो कहते जी हम क्या कोऑपरेट करें, हमारा बच्चा तो चला गया। तो वो करना ही नहीं चाहते, वहां पे जिनके बच्चे चले गए थे उन्होंने ये शुरू किया सब।
तो अभी मैं प्रैक्टिकल चीजों पे आता हूं भाई, पहले साल सिर्फ अगर वो एब्सटिनिज्म में रह जाता है तो पेशेंट आपका, तो दैट इज गुड इनफ। पर ये तीन चीजें गांठ बांधने वाली हैं कि अकेला अकेला और कंपनी, इनके ब्रदर बड़े क्लोज हैं, इनके ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं, वो उनके घर में फंक्शन था मेरे हमारे यहां से जाने के थोड़ी देर बाद ही, तो इसने कहा ड्रिंक तो नहीं सर्व होगी, वो कहती है फौजी की पार्टी है ड्रिंक तो होगी, शी सेड हम आके पहले शगन दे जाएंगे, मैं इस फंक्शन में नहीं आऊंगी, मैं और मेरा हस्बैंड जहां ड्रिंक सर्व हो रही है। थैंक्स टू हिम He said, avoid, avoid, avoid places. And we did not venture out. 2015 में इलाज कराने आए थे, 2019 में हमने first course get together में गए थे, वो भी मेरे को था, I was apprehensive कि कैसे होएगा, कि वो सारे एक ही कोर्स के हैं, एक ही एज ग्रुप के हैं, और शरारती जब कट्ठी करी हो तो ये चीज तो साथ में आ जाती है, तो भी वहां पर हम कैसे उस क्राउड में हम अपने आप को कहां प्लेस कर सकते हैं ना, वेदर वील बी आउट और इन। पर उसका इलाज मैं बताता हूं, मैंने जाते ही सारे कोर्समेट को बता दिया कि मेरी ये प्रॉब्लम थी, मैं 6 बजे शुरू कर देता था और बड़ी मुश्किल से छोड़ी है, तो यहां तो वो कहते हैं भी चलो छोड़ दी शुरू कर लो, अभी तक हम 4 गेट टुगेदर इकट्ठी कर चुके हैं, मतलब 10-15 उनमें जनरल रिटायर्ड हैं रैंक के, मेरे साथ कोई बंदा अपनी ड्रिंक हाथ में पकड़ के बात नहीं करता, उसने मेरे साथ बात करनी होती है ड्रिंक साइड पे टेबल पे रख के फिर बात करता है, कि ताकि मेरे को क्रेविंग एंड देन आई एम आल्सो नेक्स्ट टू हिम ऑल द टाइम, आर यू कंफर्टेबल, आर यू कंफर्टेबल, आर यू ओके, मूव करें यहां से, मूव करें, इफ ही इज ओके, एक पे हुआ था कि ही सेज नहीं, लेट्स गो अवे फ्रॉम हियर, कई बार स्मेल चढ़ने लग जाती है, सो देन वी मूव्ड अवे फ्रॉम दैट प्लेस। हमें भी तो हमारे फेवरेट की खाने की स्मेल आ रही हो तो मैं यस बिल्कुल सेम चीज, हां इट्स नेचुरल टेस्ट बड्स आपके उसी टाइम वो अराउज हो जाते हैं। हम घर में ड्रिंक्स नहीं रखते, जो ग्लासेस डिकेंटर थे वो बड़े महंगे थे, फेंक तो नहीं सकते थे हम, तो शीशे वाली अलमारी में पड़े थे, नम्रता मैडम वो तो जो जो बताया कागज लगा दिया हमने ताकि वो दिखे, ताकि दिखाई ना दे, मैंने सारे पर पेपर पड़ी अच्छी 9 साल हो गए, पेपर वैसे ही लगा हुआ है, आई हैव नेवर रिमूव्ड इट, नोबडी हैज टच्ड इट, बच्चों को भी पता है, बच्चे भी बात करते हैं, मतलब अगर ड्रिंक करनी भी है वो लोग बाहर जाकर करेंगे। अभी तक भी मेरे जेब में 200 से 300 रुपए से ज्यादा नहीं होते हैं। जिस दिन शरारत हो चली थी ना, जिस दिन 6,000 आ गए थे हाथ में तो वो उस पे मैं आऊंगा, रिलैप्स पे बाद में थोड़ा कभी भी नहीं होते ज्यादा उतने में, मेरे को होता है कि 100 रुपया तो जेब, मेरे कैंटीन के कार्ड भी इनके पास हैं, दोनों कार्ड, एक लिकर का अलग कार्ड होता है, ग्रोसरी का अलग कार्ड, दोनों इनके पास हैं। और अगर कोई लड़का खास करके बेटे के फ्रेंड्स वगैरह जो है वो बोलेंगे अंकल द कार्ड दो, मैं कह हैनी का रिन्यू ही नहीं होया गाड़ी खत्म। फैमिली की हेल्प मैं बताता हूँ, ऑस्ट्रेलिया हम जाते हैं, पहले 2 साल तो जब यहाँ से हम गए 15 में भी गए, 16 में भी गए, 17 में भी गए, उसने 17 में गए थे, अपनी ड्रिंक सारी घर से निकाल दी, अपने फ्रेंड्स को बोल दिया अभी ना तो हम किसी पार्टी में आएंगे 3 महीने के लिए जिसमें ड्रिंक सर्व होगी, ना हमारे घर में कोई ऐसी पार्टी होगी जिसमें ड्रिंक सर्व। अभी भी लास्ट ईयर हम गए थे सारी फैमिली, सन इन लॉ भी मेरा हमारा आर्मी में है और डॉटर भी, उसका बेटा भी, तो वो सन इन लॉ और बेटा पीते थे अपनी बियर या कुछ, वो मेरे से पूछ लेते थे कि हम बाहर चल जाएं कि आप कंफर्टेबल हो यहाँ पे, तो वो फैमिली के इन्वॉल्वमेंट क्वार्टर में नहीं ना था, बाहर है आप कोर्टयार्ड में बैठे हो अपने, फिर ठीक है, और वो भी अलग, फिर हम एक दूसरे के साथ ज्यादा पास में होते थे कि आप मेरी हेल्प करा दो,
तो इंसिडेंट बढ़ता था ना, इंसिडेंट मैं बताता हूँ। यहाँ से रिकवरी के पहले साल में ही हमें इनको जाना था, एमरजेंसी कोई आ गई ग्रैंडसन की, बीमार हो गया, तो बेटे ने बुला लिया, मैंने कहा मैं अकेला नहीं रहूंगा, तो शी डिसाइडेड भी इनको 2 महीने और यहाँ रख दूंगी मैं, महीना जितना और रहना है, हर्मिटेज में रहेंगे। मैंने कहा मैं तो साथ जाऊंगा, तो डॉक्टर साहब से पूछा, वो कहते भी बी केयरफुल, ले जाओ साथ में। परमिशन ली थी सर से बाय एयर, वहां तो सर्व होती है, तो चले तो गए ठीक ठाक। आते वक्त बच्चों ने साथ में आना था, तो सेंटर सीट में बेटा, डॉटर इन लॉ और उनका बेटा था, साइड में हम थे दो वाली सीट में। तो बेटा ग्रैंडसन रोने लग गया, अभी दादी के पास मैं बैठूंगा, तो मेरे को उठा दिया। उससे पहले जब भी ट्रॉली निकलती थी तो मेरी ऐसे नजर जाती थी ड्रिंक ट्रॉली की तरफ, तो ये मेरा मुंह ऐसे कर लेती थी। तो वो जब ग्रैंडसन आया तो मैं खड़ा था वहां पे, तो एयर होस्टेस आई रात को 1:30 बजे, भी पीछे एक सीट खाली है वहां बैठ जाओ, तो मैं वहां जाके बैठ गया। तो एयर होस्टेस देखो नोट कर रही थी भी ये मेरा मुंह इधर कर लेती है, तो शी आसमी भी अभी मैं ड्रिंक ले आऊं आपके लिए। मैं वापस आ गया इनके पास, मैं क्या डेंजर है वहां पे खतरा। तो मतलब सिग्नल हो जाता है ऐसे, अभी अवेयरनेस थी एंड ही वाज कॉन्शियस, मतलब दिस इज व्हाट रिकवरी टीचेस यू, इनसाइट में देर पर आती है, मुश्किल से आती है, इट टेक्स टाइम। और ये रियलाइज करना पड़ेगा कि जैसे ड्रिंक है सच कोई खराब चीज नहीं है इसमें, पर जो हम 10% हैं उनके लिए भगवान ने नहीं बनाई। बस ये चीनी सभी सभी लोग खाते हैं, 10% को डायबिटीज होती है, वो नहीं खा सकते। तो वही हमारा हाल है, हम वो हजम नहीं होगी हमें, ये नहीं कि ओवर एक पैक भी नहीं हजम होगा, वो समझ के चलना पड़ेगा तभी रिकवरी ठीक होगी। वन ड्रॉप यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, आप जबरदस्ती से रिकवरी में नहीं आ सकते। इनसाइट से ये इलाज क्या है, रिकवरी जो मैंने महसूस किया है, आप गाड़ी की अलाइनमेंट कराते हो ना, बैलेंसिंग होती है, तो इट इज अलाइनमेंट ऑफ योर बॉडी माइंड एंड सोल। ये अलाइनमेंट होगी तो गाड़ी आगे चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। और रिकवरी का मतलब ये नहीं है कि मेरे को गुस्सा नहीं आएगा, गलत काम नहीं होगा, पर ये है कि उनसे डील करना सीखना है मेरे को। वो अभी भी सीख रहा हूं, रोज सीख रहा हूं मैं। कई बार गुस्सा हो जाता हूं तो फिर मैं सोचता हूं भी क्या इसमें, आज सुबह मैं शेयरिंग कर रहा था भी, इट इज लाइक अगर हम कहते हैं कि फैमिली डिजीज है, तो इलाज भी रिकवरी का फैमिली वाला ही होना चाहिए। इट इज लाइक ए टीम गेम, क्रिकेट की गेम है तो टीम गेम है। आप प्रोफेशनल बैट्समैन हो तो आपको दूसरा बैट्समैन क्या गलती कर रहा है वो आप पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो उससे क्या होगा, आपकी बैटिंग पे असर हो जाएगा। सो दैट इज रिकवरी, के अपने काम से काम रखो। बट रिलेशनशिप क्यों जरूरी है, अगर आपका घर वालों से रिलेशन ठीक नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग वो नहीं होगी है दोनों बैट्समैन में, तो रन आउट हो जाओगे, तो वो अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। कंप्लीट ट्रीटमेंट और इनकंप्लीट, जैसे हमारी इट इज अ होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स द एंड इट इज ओनली हियर दैट यू गेट दिस होलिस्टिक ट्रीटमेंट टोटल। मैम आप और सर ये बताइए, क्योंकि हर दिन हमारे पास कोई ना कोई पुरानी फैमिली आती है जिन्होंने या तो दवाइयां छोड़ देती होती हैं या वो इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट करा के ले जाते हैं, है ना एवरीथिंग। व्हाट डू यू थिंक इज द ट्रीटमेंट एंड रोल ऑफ ट्रेनिंग, मेडिसिन, हर्मिटेज
यू थिंक कि इन चीजों का कुछ कंट्रीब्यूशन है ट्रीटमेंट में? बहुत। कि हम वैसे ही प्रमोशन के लिए भेजते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये आज मैं हर मिड एज में भी क्या कर रही हूं। यस पीपल आस्क अस दैट कितनी देर में टाइम क्या टाइम। देखिए जी, मैं अभी हम गए थे जो फॉस्टर डॉटर बोल रहे हैं उसकी शादी पे, और उसके फादर काउंसलर हैं इसी चीज के, एडिक्शन के ही। तो वो इंडिया में बहुत कम स्टडी हुई है जर्मन रिहैब सेंटर्स की। तो वो कहते मेरे को, बोलते भी आप आए हो यहाँ, एक हम 15-20 दिन थे, तो शादी तो शुरू में हो गई थी, कहते आप देख लो आप अगर इसी लाइन में हो तो। उन्होंने परमिशन लेके मेरे को लेके गए अपने वहाँ पे, क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम क्या है, वहाँ ज़्यादा लिटरेचर जर्मन लैंग्वेज में है। तो कहते मैं आपको ट्रांसलेट कर दूंगा। अभी उसका मैंने पूरा पेपर लिखा है, उस पर कंपेयर करना है पंजाब के साथ। वो डॉक्टर के साहब के साथ मिलके काम कर रहे हैं हम परमिशन लेने के लिए। तो वो सभी वहां भी 8 वीक से 10 वीक्स तक का टाइम, वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है क्यों चाहिए। कोई आप काम शुरू करते हो उसको हैबिट बनाने के लिए, इट इज साइंटिफिकली प्रूव भी ब्रेन में उसकी आदत पड़ जाए वो काम करने की, उसके लिए कम से कम 6 महीने चाहिए। और कोई गलत आदत पड़ी हो आपको, उसको निकालने के लिए कम से कम 3 महीने लगते हैं, वो आपने उस पर काम करना पड़ता है आपको। तो वो काम जो आपने गलत ये गलत है तो मतलब जो शुरू किया है उसको निकालने के लिए माइंड से। सी, मैं पहले भी ये कई जगह एग्जांपल दे चुका हूं। अभी क्या है, आपने फिश पॉन्ड मछली रखी पॉन्ड में, तो वो पानी में कोई बीमारी आ गई, एलर्जी हो गई फिश को। आप फिश को निकाल के उनका इलाज करके उसी पानी में डाल दोगे तो वो तो फिर हो जाएगी। तो हम सोसाइटी से आए उस बीमारी के साथ, तो हमें अलग रखना पड़ेगा। उसके बाद ऑप्शन ये हैं कि पानी चेंज कर दो, वो पॉसिबल नहीं है, सोसाइटी हम चेंज नहीं कर सकते। तो सोसाइटी हम चेंज नहीं कर सकते, तो पानी चेंज नहीं हो सकता। दूसरी ऑप्शन क्या है कि मछली को ऐसा कोई दवाई इंजेक्शन दो जिससे वो एलर्जी के साथ रहना सीख जाए, तो वो बेटर ऑप्शन है। तो उसके लिए जो हमारे ब्रेन में करने के लिए 3 महीने का टाइम साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि ये वीकली प्रोग्राम है उनके, वो जरूरी है। मैं पर्सनल एग्जांपल देता हूं। एक ऑफिसर यहां मेरे को मिले थे, मेरे को नहीं पता था कि वो कई कोस्टमेट होते हैं, वो हम मिलते ही नहीं हैं, वो दूसरी ब्रांच में चले जाते हैं ट्रेनिंग के टाइम पे। तो वो मेरे को एक ऑफिसर मिला, उसके कार पे बैज लगा हुआ था, एक भी आया तो बैज लगा हुआ था। मैंने देखा आर्मी का है, मैंने उसको बोला भी आप आर्मी से हो? तो हाँ। मैंने कहा यहाँ कैसे हो? इसे मैं अपना कराने आया हूँ, मेरी बेटी लेके आई है मेरे को। तो सर ने कहते मेरे को बोला है, उनका बेटा यहाँ पोस्टेड था अमृतसर में ही, कि आप आ जाया करो और चला जाया करो। मैंने कहा ये तो वो अलाउ ही नहीं करते। मैंने सर से बात की, मैं 2 ही साल हुए थे मेरे को रिकवरी में, अभी दवाई लेने आए थे हम। तो कहते वो मान ही नहीं रहे हैं। मैंने कहा मैं मना लेता हूँ। मैंने कहा भाई तब तक पता चल गया था भी हम कोस्टमेट हैं, कर्नल शर्मा सर फ्रॉम जयपुर, जिन्होंने वो डॉग का इलाज किया। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैंने उससे बोला भी प्रॉब्लम क्या है, ही से यहां सारे बच्चे हैं, तो मैं उनके साथ क्या रहूं, कैसे रहूंगा, मैं ऑकवर्ड फील कर रहा हूं। तो मैंने कहा अगर मैं तेरे साथ रहूं सेम रूम में, इसे ठीक है,
तो मैंने कहा हफ्ता मैं तेरे साथ रहता हूँ, तब तक तू एडजस्ट हो जाएगा. ही सेड ओके. तो इन ही वाज अ डॉग लवर, तो इनके डॉग को फिट्स पड़ते थे, उसका इलाज किया उसने वहां रह के. हफ्ते बाद इतना वो हो गया, हमें जाना पड़ गया ऑस्ट्रेलिया. और वो बीच में ही डेढ़ महीने बाद ही वाज डूइंग वेरी वेल, वो छोड़ के चला गया कि मैं आता हूं. उसके बाद वापस नहीं आया, वहां से दवाई लेता रहा. एक साल बाद ओवर ड्रिंकिंग लिवर प्रॉब्लम से उसकी डेथ हो गई. तो ये जो बीच में छोड़नी है, मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब इज द बेटर जज, इज मोर डेंजरस देन इलाज ना कराने से. इट इज साइंटिफिकली प्रूफ फैक्ट भी इतना टाइम लगना ही है. आपका फ्रैक्चर हो जाता है, प्लास्टर लगा के आप ये तो नहीं कहते भी हफ्ते बाद निकाल दो, अभी तो शायद ठीक हो गया हो. वो चेक तो नहीं करते खोल. तो वो दिमाग का भी वही है, वो दिखता नहीं है, सिर्फ आपको चोट लगी हुई. तो इट इज आज एक डॉक्टर साहब आए थे मेरे को ट्रीटमेंट वास्ते, पता है जसबीर सिंह और उन्हां दा अपना हॉस्पिटल है, वाइफ भी डॉक्टर है. ते उन्हां नूं हुण तकरीबन 8 मंथ्स हो गए ट्रीटमेंट कराने, ते 8 मंथ्स तो ठीक है गए, बिल्कुल अल्कोहल नहीं पीती. बट ये है कि उन्हां दा लिवर रिवर्स नहीं हो रहा. ते हुण उन्हां नूं मैं भेजा सी एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कोल, उस गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने कहा कि लिवर इन्ना डैमेज हो गया कि हुण लिवर ट्रांसप्लांट इज द ओनली सोल्यूशन. अज हुण मैं हुणे फिर भेजा, मैं कहा तुसीं जाओ एक होर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट दी ओपीनियन लो, क्योंकि आई वॉन्ट के बई कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ये कह दे कि क्योंकि अल्कोहल तो उन्होंने छड़ी हुई है, ही इज इन रिकवरी आलसो, बट ये है कि भी लिवर रिवर्स की स्टेज तो अगे है. अज भी उन्होंने जो टेस्ट कराए थे बिली रूबिन 2.2 सीगा, एस जी पी टी जो जी जी टी पी जरा 2300 कुछ सीगा, 2300 जरा 36 चाहिए. सो हुण तुसी दसो कि असी ही आलसो डूइंग हिज बेस्ट, I am also doing his best. Best treatment is going on. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟਰੋ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਿਵਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ, ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲਿਵਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਏ ਵੈਰੀ ਹੈਲਦੀ ਸਾਈਨ. ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਇੰਨੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਫਸਦਾ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਰਿਕਵਰੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਲਿਵਰ ਇੰਨਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ. ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ ਸਰ, ਦ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲਿਵਰ ਮੇਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡਰਿੰਕ. ਮੇਰਾ 80% ਤੱਕ ਲਿਵਰ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਿਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਰਿਕਵਰੀ 'ਚ ਰਿਹਾ. ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਲਿਵਰ ਦਾ ਵੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ. ਲਿਵਰ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਫਾਈਨ ਮੇਰਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ, ਕੋਈ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ. ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦੂਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ. ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਵਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਬਸਟੀਨਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ, ਸੋਬਰਾਇਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ, ਐਂਡ ਰਿਕਵਰੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਚੱਲਣੀ. ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਔਰਗਨ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਹੋਸਪਿਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ, ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ, ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਫਾਰ ਲਿਵਰ. ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਵਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਲਿਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲਿਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਿਦ ਗੋਡ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਵਰ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਔਰਗਨ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਔਰਗਨ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਹਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਲਿਵਰ. ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਰਗਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਫੋਰ ਆਲ ਆਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਲ ਆਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਲ ਆਰ ਡੇਂਜਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕਨੈਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਚੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਅਕਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਰਟ ਦੇ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਚਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੇ ਆ ਉਹੀ ਚਾਰੇ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲੇ ਸਬਸੇ ਬੜਾ ਬਲੰਡਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਮੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਇਨਸੁਲਿਨ ਕੀ ਡੋਜ਼ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਕਰੋਗੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਚ ਮੋਰ ਡੇਂਜਰਸ ਦੈਨ ਨਾਟ ਟੇਕਿੰਗ ਸਬਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਆਜ ਮੈਨੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾ ਲਿਆ ਆਜ ਮੈਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੋ ਆਜ ਮੈਂ ਇਨਸੁਲਿਨ ਕੀ ਡੋਜ਼ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਬਹ ਮੈਂ ਇਨਸੁਲਿਨ ਕੀ ਡੋਜ਼ ਕਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਇਨਸੁਲਿਨ ਕੀ ਡੋਜ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਬ ਆਪ ਬੜਾਤੇ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਹੋ ਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ तो दैट इज द वे अभी जे अगर वो यार सारे के सारे पेशेंट रिकवरी में हो और उनको अपने खाने का पता हो और उनको कैलरीज पता हो उनको पता हो कि कौन सी ग्लूकोज टॉलरेंस किस में कम ज़्यादा होती है और अपना प्रोटोकॉल सुबह से लेकर शाम तक बनाओ और 10,000 कदम चलें लोगों के साथ पंगे ना लें ठीक है आराम से 8 घंटे सोएं तो उनकी डायबिटीज ठीक हो सकती है ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਕਿਆ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਸਿਨ ਬੜਾਤੇ ਜਾਤੇ ਹੈ ਅਲਕੋਹਲਿਕਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੋਟਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਲਿਵੋਸਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੋਟਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲਿਵਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਕੇਕ ਸ਼ਵੇਤਾ ਮੈਮ ਕੇ ਪਾਸ ਮਾਰ ਰੱਖਾ ਥਾ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਬੁਲਾ ਲਓ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਟਐਵਰ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਓਵਰ ਹੇਅਰ This is, like I said earlier, this is the only place where you get a platform to sit and interact with each other, learn from each other. ये मैं ये गुरु बैठे हैं, मैं इन्हीं से सीख कर गई हूँ, मेरे को नहीं कोई नॉलेज थी और वही चीजें हमने अप्लाई करी हैं इन ट्रू सेंस अवॉइड करी है जहां पर थी जहां पर खतरा नजर आ रहा है जाना ही नहीं जो लोगों के लिए थोड़ा सा कोई मजाक उड़ाने वाला हो जाता है कि भाई हाँ तू डर रहा है बीवी का डर से पी नहीं रहा आज अरे भैया गेट अवे फ्रॉम देम छोड़ दो उसकी अपनी सोच है भाई लीव इट मैंने उसके साथ सिंह फंसा कर मैंने क्या करना है मेरे नहीं जी मैंने तो अपने बच्चे बंदे का बचाव रखना है इसकी जिंदगी मेरे लिए मोर इम्पोर्टेंट है रादर देन यू नो ट्राइंग टू एजुकेट दैट अदर पर्सन कि भाई ये है उसको नहीं पता इस चीज के बारे बस तो आप इतना सा एपिसोड करें आपको फेथ होना चाहिए जो आप कर रहे हो बेस्ट है बाकी गॉड इज गॉड नोस यस उसने करना ही है करें और खुशहाली है मैं तो कहती हूँ दीज 9 इयर्स लाइक आई सेड कि मेरे को पता ही नहीं कि जस्ट ऐसे जैसे कहते हैं आंख बंद करिए और ये निकल गए पता नहीं आते रहे हैं जाते रहे हैं सलाह सर से लेते रहे हैं गाइडेंस लेते रहे हैं और एक्चुअली में कनेक्टेड रहोगे फॉलो अप करते रहोगे
तो आप सेफ, यू आर ऑन द रोड टू रिकवरी। सोच के पसी भी आती है, पेन की प्रॉब्लम है, खाना दौड़ी मची हुई है, किसी को पता नहीं है, कोई वहां भाग रहा है, कोई वहां भाग रहा है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि ब्रेन के इश्यूज है। तो है तो ये कंप्यूटर ना, इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स कहां से आने हैं? देखिए 50% डॉक्टर्स ये मानने को तैयार नहीं है कि ये डिजीज है। आवर ओन रिलेटिव्स हु आर डॉक्टर्स, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि इट्स अ ब्रेन डिजीज। नहीं करते वो, तो मेरे को क्या जरूरत है? एक हमें इनके ट्रीटमेंट का बहुत फायदा हुआ कि हमें हमेशा केक मिलता था। केक 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 लेडी she used to come from the beginning, she would bring two cakes for Hermitage. वो सब खाते थे, मतलब तब से आई हैव केप्ट हर के ये केक लेडी है जब भी आते हैं। एक्चुअली माय बर्थडे फॉल्स ऑन 22nd अप्रैल एंड द फर्स्ट टाइम वी गॉट एडमिटेड वाज इन 2015 और 9 को हम हॉस्पिटल में आए थे और इफ आई एम नॉट रॉन्ग वी वेंट ऑन द 16th आई थिंक वी वेंट टू द हर्मिटेज और हर्मिटेज शाम को गए तो नम्रता मैडम ने बोला बस आपने छोड़ दिया, अभी आप जाओ ले जाओ सामान जितना आया था आपके साथ ये ले जाओ। सो देन ऑन 22nd आई वॉन्टेड टू सेलिब्रेट माई बर्थडे इन हर्मिटेज विद बाबा विद सर एंड विद माई दिस फैमिली। सो देन आई हैड ब्रॉट माई केक फ्रॉम देयर, यस, एंड दैट वॉज द बिगनिंग। सो इट्स अ रिचुअल, यस। बाकी बनाते ही हैं, स्माइल खुद ही आ जाती है केक पे। वो बेचारा फट गया, वो टेम्परेचर कई बार ज्यादा पहले रख देती है। एक बात ना जो मैं बताना चाहता हूँ, जो बिलीफ सिस्टम लोगों का है कि मैंने बड़ी मेहनत की बात नहीं बनी, ये होता नहीं, कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। दुनिया में कोई भी आप काम कर लेना, सच्ची मेहनत करेंगे, मेहनत के बगैर कुछ नहीं होना। मेरे को नहीं पता किसी को मेहनत के बगैर कुछ मिला हो, लेकिन मैंने कभी कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जिसने बहुत मेहनत की हो और उसको फल ना मिला। And follow the protocol. Yes. ये जो आप ये हाँ. जो ऐसे बोल रहे हैं ना, ये इसके पीछे इनकी बड़ी स्ट्रगल है, मेहनत है, एवरीडे जॉब है एंड बहुत ही इम्फैटिक मेहनत है। सबसे ज्यादा इन्होंने फॉलो अप पे जोर दिया है एंड ये मेहनत ही है और कुछ नहीं, ये मेहनत का फल मिला। I have a very large extended family. My mother-in-law, she's 94. My sister-in-law, she is a divorcee. She has a young daughter, 32 years old. My own daughter, her husband is posted in Kashmir at the moment. Her son, us two, we are living under the same roof. And baki jitne mere behan bhai hain ya jitne inke rishtedar hain, wo sare, it's an open house for everyone. Kabhi aisa nahi hua ki घर को ताला लगा होगा या कोई अनवेलकम, इट्स ऑलवेज ओपन एंड ऑलवेज खाना इज तैयार, कोई भी आ जाए चाय पानी खुले दिल से। सो वो भगवान की दया है, बस ऐसी चल है। हमारे पास सिर्फ एक पेंशन इनकी, उसी पर हम अच्छे से गुजारा करते, वही है जैसे सर बोलते हैं हियर एंड नाउ इन प्रेजेंट एवरी डे वन डे, बस उसी पर चलते। कभी ये नहीं सोचा कि मेरे को बहुत ज्यादा जॉब करी, पीएफ था, मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, फैमिली के ऊपर लगा है कोई बात नहीं, ट्रीटमेंट पर लगा है कोई बात नहीं। तो आई डोंट हैव एनी एफडीज, टू बी वेरी फ्रैंक, आई डोंट हैव एन एक्युमुलेटेड वेल्थ, बट वी आर जस्ट लिविंग अ गुड लाइफ, आई एम कंफर्टेबल। सो और क्या चाहिए, भगवान दो रोटी दे रहा है ना, खानी तो वही है, सोना तो खाना नहीं है। बहुत से लोगों से बहुत अच्छे है ना, वो भी लोग हैं जो बेचारे झोपड़ियों पर गुजारा कर रहे हैं या सड़क पर होते हैं। जो इनके पास बहुत ज्यादा है उनके पास कुछ नहीं है, वो बेचारे हैं। हाँ सही में सर, वाकई वैसे वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं सर जिनके पास नहीं है कुछ, जिनके पास चार कनाल के घर हैं, जिनके पास 10 करोड़ कुछ अंदर दबे पड़े हैं, वो 10 करोड़ की गाड़ियां हैं, जिनके पास स्पेंड करने के लिए 100 करोड़ है एक मैरिज पे, वो ज्यादा दुखी हैं।